कभी आपने सुना है आओ आओ बुलाने पर पक्षी नजदीक आ जाते हों, वो भी एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों पक्षियों के झुंड का झुंड। दरअसल यह नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर के नर्मदा तट की, जहां हजारों की संख्या में साइबेरियन पक्षी पहुंच रहे हैं। जब इन साइबेरियन पक्षियों को आओ आओ कहकर दाना डाला जाता है, तब साइबेरियन बर्ड्स का झुंड टूरिस्ट के नज़दीक पहुँच जाता है और इस विहंगम दृश्य को देखकर टूरिस्ट नर्मदा तट पर खिंच चले आते हैं। दरअसल जबलपुर में ठंड के मौसम में साइबेरियन पक्षी आते हैं और नर्मदा तट पर डेरा डालते हैं। यह बर्ड साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया से आए इन पक्षियों का झुंड जबलपुर के नर्मदा नदी के गौरी घाट, तिलवारा घाट सहित कई घाटों पर पहुंचता है। आपको सुनकर यह जरूर हैरानी होगी कि यह बर्ड करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय कर भारत आते हैं, जो शहर में करीब 3 महीने तक रहते हैं। ठंड खत्म होने के बाद यह पक्षी पहले सप्ताह में ही अपने देश वापस लौट जाते हैं। खास बात यह भी है कि इन पक्षियों की याददाश्त इंसानों से करीब 10 गुना ज़्यादा होती है। यह पक्षी ठंडे खून के होते हैं और साल के इन दिनों यहाँ खाना, घोंसला बनाने और प्रजनन करने आते हैं। नर्मदा के तटों में एकाएक साइबेरियन पक्षी के आने के बाद टूरिस्ट की संख्या में भी इजाफा होता है, जहां साइबेरियन बर्ड्स के आने पर सेल्फी से लेकर फोटोशूट कराने की होड़ मचती है, जबकि टूरिस्ट नाव में बैठकर इस सुंदर नज़ारे को देखकर अचंभित भी हो जाते हैं। यह नज़ारा किसी वॉलपेपर से कम नहीं होता, जो विदेश से कम दिखाई देता हो। जब भी मां नर्मदा के तट में यहां लोग पहुंचते हैं, तब यह साइबेरियन पक्षी को देखकर मानो ऐसा लगता है कि साइबेरियन पक्षी ने मां नर्मदा के तट पर 4 चांद लगा दिए हों। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।